नमस्कार, मैं हूं निशा। पिछले वीडियो में हमने अलग अलग आकार की वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र को निकालना सीखा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र का उसके संतुलन से क्या संबंध है। इसको समझने के लिए हम कुछ रोचक प्रयोग करेंगे और कई बेजोड़ खिलौने बनाएंगे। आप एक दीवार से लगकर इस तरह खड़े हो जाइए और इसी अवस्था में दूसरे हाथ से कुछ उठाने का प्रयास कीजिए या दूसरे पैर को उठाने का प्रयास कीजिए। बताइए कि आप ऐसा कर पाते हैं? नहीं ना। अब एक और प्रयोग करते हैं। आप दीवार से 2 फुट की दूरी पर 100 रुपए का नोट रख लें और अपने साथी को बोलिए कि दीवार के सहारे खड़े होकर नोट उठाना है, और शर्त यह है कि कमर से नीचे वाला भाग दीवार से सटा रहना चाहिए। देखिए क्या आपका साथी इसे उठा पाता है? नहीं ना, वह इसे क्यों नहीं उठा पाया? आप दीवार से सटकर खड़े हो जाइए और ध्यान रहे कि आपके कमर से नीचे वाला भाग दीवार से सटा रहना चाहिए, और ऐसा करते हुए आप झुककर अपने टोस को छूने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपका संतुलन बिगड़ जाता है और आप गिर पड़ते हैं। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम तब तक झुका सकते हैं जब तक कि उसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा उसके आधार से होकर जाए। इसे हम इस ब्लॉक की मदद से भी समझ सकते हैं। इस लकड़ी के ब्लॉक में इस स्थिति में इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा इसके आधार से होकर जा रही है, और इसीलिए यह संतुलन की स्थिति में है। अगर मैं इसे थोड़ा झुकाकर असंतुलित करती हूँ और वापस छोड़ देती हूँ तो यह अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। इसका कारण यह है कि उस स्थिति में भी इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा इसके आधार से होकर जा रही थी, इसीलिए यह बैलेंस हो गया। लेकिन अगर मैं इसे और झुकाकर छोड़ दूं तो इस स्थिति में यह गिर जाता है। यानी कि इस नई स्थिति में इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली रेखा इसके आधार से बाहर चली गई और यह गिर गया। और यही कारण है कि जब हम दीवार से लगकर खड़े होकर किसी चीज़ को उठाने का प्रयास करते हैं या फिर अपने टोस को छूने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में जब तक हमारे सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली रेखा हमारे आधार यानी कि हमारे पैरों से होकर गुजर रही होती है, तो तब तक तो हम संतुलित रहते हैं। और जैसे ही यह रेखा हमारे आधार यानी हमारे पैरों से बाहर हो जाती है तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और गिर जाते हैं। जैसे कि इस पेंसिल का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, और जब मैं इस पेंसिल को इस बिंदु पर संतुलित करने की कोशिश करती हूँ, यानी कि ये बिंदु इसका पिवट पॉइंट है और इसका सेंटर ऑफ मास इससे काफ़ी ऊपर है, तो इसे छोड़ने पर यह पेंसिल गिर जाती है। जब मैं इस पेंसिल को इस तरह से पकड़ लेती हूँ, यानी कि अब इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है और इसका पिवट पॉइंट यहाँ पर है, अर्थात इसका सेंटर ऑफ मास इसके पिवट पॉइंट से काफ़ी नीचे है, तो इस स्थिति में यह संतुलित रहती है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा धक्का दे करके असंतुलित करने की कोशिश भी करती हूँ तो यह वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। इस पेंसिल को टेबल पर इसकी नोक पर सीधा खड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है, या कहीं नामुमकिन है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा था, जब तक द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा इसके आधार से गुजरती है वस्तु संतुलित रहती है, और यहाँ पर आधार बहुत ही छोटा इस नोक के क्षेत्रफल के ही बराबर है, इसीलिए यह बहुत ही मुश्किल है कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस बिंदु से ही होकर जाए। जब इस पेंसिल को इस आधार में टिकाने की कोशिश करते हैं तो सामान्यतः इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस आधार के बाहर हो जाती है, इसीलिए पेंसिल के वजन के कारण उस पर एक टॉर्क लगने लगता है जो इसको इस दिशा में घुमाने लगता है। जैसे जैसे पेंसिल झुकती जाती है, इस रेखा की आधार से दूरी बढ़ती जाती है और लगने वाला टॉर्क भी बढ़ने लगता है, जो कि पेंसिल के असंतुलन को और बढ़ा देता है और यह गिर जाती है। अब इस नई स्थिति में पेंसिल का आधार का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ गया है। अब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा इसके आधार से गुजर रही है और यह पेंसिल इस अवस्था में संतुलित हो गई है। जब इस पेंसिल को उंगली में इस तरह पकड़ते हैं तो इसका आधार बिंदु यहाँ पर है और इसका द्रव्यमान केंद्र इस आधार बिंदु के ठीक नीचे यहाँ पर है।
इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा आधार बिंदु से गुजरती है और पेंसिल पर कोई घुमावदार बल या टॉर्क नहीं लग रहा है। जब पेंसिल को धक्का देकर थोड़ा असंतुलित करते हैं तो यह इस दिशा में चली जाती है। अब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा आधार बिंदु से नहीं गुजर रही है और अब पेंसिल पर इसके वजन के कारण एक टॉर्क लग रहा है, लेकिन इस टॉर्क के कारण पेंसिल वापस अपनी मूल स्थिति में घूम जाती है और यह संतुलित हो जाती है। दूसरी ओर घुमाने पर भी इसके वजन के कारण लगने वाला टॉर्क पेंसिल को वापस सीधी स्थिति में घुमा देता है। क्योंकि यह टॉर्क वस्तु को वापस इसकी मूल स्थिति में ले आता है, इसीलिए इसे रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो जब भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके आधार बिंदु के नीचे होता है तो वस्तु संतुलित रहती है और उसे हिलाने पर वह वापस मूल स्थिति में आकर संतुलित हो जाती है। इसको अच्छी से समझने के लिए चलिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने एक लकड़ी का टुकड़ा और करीबन 10-3 इंच लंबी कीलें ली हैं। सबसे पहले इस लकड़ी के टुकड़े में इस कील को इस तरह से ठोक करके हमने एक स्टैंड बना लिया। अब हम देखते हैं कि क्या इन कीलों को इस कील के ऊपर हम संतुलित कर पाते हैं। एक अकेली कील तो संतुलित हो गई, लेकिन जब हम ज़्यादा कीलों को रखने की कोशिश करते हैं तो यह गिर जाती है। फिर से करके देखते हैं तो अब इन सारी कीलों को एक साथ संतुलित करने का एक और प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस कील को इस तरह से रख लीजिए और बाकी की कीलों को इस तरह से व्यवस्थित कर लीजिए और इस आखिरी कील को इसके ऊपर इस तरह से रखिए कि नीचे और ऊपर की कीलों के दोनों सिरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हों। अब इसे उठाकर इस कील के ऊपर रख देते हैं और देखते हैं कि यह संतुलित होता है या नहीं, और किसी भी तरह से इसको हिलाने पर यह गिरता नहीं है और अपने बैलेंस को बनाए रखता है। इसका कारण यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं इसके घूमने की धुरी या पिवट पॉइंट के ठीक नीचे होगा। अब दो फोक्स और माचिस की तीली से दूसरी गतिविधि करते हैं। जब हम दो फोक्स को इस तरह आपस में फंसा देते हैं और तिल्ली की सहायता से इस ग्लास के सिरे में संतुलित करने का प्रयास करते हैं तो यह आसानी से संतुलित हो जाता है। अब इस तिल्ली को जला देते हैं। दोनों फोर्क इस तिल्ली से केवल इस बिंदु पर टिके हैं। तो अब जानते हैं कि यह जादू कैसे हुआ। यहाँ पर दोनों फोर्क्स और तिल्ली मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं और इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र इस आधार बिंदु के नीचे इस ओर शिफ्ट हो गया है और यह पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया। तो चलिए अब इसी सिद्धांत पर आधारित एक नाश्ता व खिलौना बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टूथपिक्स, 3 कबाब स्टिक्स, GSM पेपर, ग्लू, क्ले या आटा, टाइप पेपर, स्केच पेंस और कैची। सबसे पहले क्ले का गोला बना लेते हैं और इस पर यह कबाब स्टिक लगाकर खिलौने का बेस बना लेते हैं। अब GSM पेपर के लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे और 1.5 सेंटीमीटर चौड़े 4 टुकड़े काट लेते हैं। दो कबाब स्टिक्स के 10 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लेते हैं। अब इस पेपर के टुकड़े के ऊपर बीच में टूथपिक का टुकड़ा इस तरह चिपकाते हैं कि इसका नुकीला सिरा नीचे रहे। अब 10 सेंटीमीटर के इन दोनों स्टिक्स को इस तरह से इन किनारों पर चिपका देते हैं। अब दूसरे पेपर के टुकड़े को इसके ऊपर चिपका देते हैं। इसके बाद बराबर मात्रा की क्ले से इनके पैर बना लेते हैं। इसे उंगली पर टिका के देखते हैं। अगर यह संतुलित नहीं हो रहा हो तो क्ले की मात्रा को घटा बढ़ा कर इसे संतुलित किया जा सकता है। इसी तरह बाकी बची हुई 3 टूथपिक्स को भी पेपर में पहले की तरह ही चिपका देते हैं। इस बीच की स्टिक के ऊपर पेपर के 2 गोले काट कर चिपका देते हैं तो यह हमारे खिलौने का मुंह बन गया। अब दोनों साइड्स की टूथपिक्स में क्ले लगाकर इसे भी संतुलित कर लेते हैं। अब इस बेस की स्टिक पर
पैरों के इस भाग को इस तरह रख दिया तो यह संतुलित हो गया। तो अब इसके ऊपर यह दूसरा भाग भी रख लेते हैं तो यह पूरा ढांचा संतुलित हो गया। तो इसे काइट पेपर और स्केच पेंस के उपयोग करके इस तरह सजा देते हैं। तो यह हमारा खिलौना बनकर तैयार है और यह बहुत अच्छी से संतुलित हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह से हिलाएं तो यह गिरता नहीं है और बहुत अच्छी से नाचने लगता है। तो चलिए अब इसके संतुलन का कारण भी समझ लेते हैं। हमने इसके दो भाग बनाए थे, एक भाग यह और एक भाग यह, और दोनों ही भाग इस पिवट पॉइंट पर संतुलित हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों भागों का सेंटर ऑफ मास इस पिवट पॉइंट से नीचे है। तो अब जब हमने इन दोनों भागों को एक के ऊपर एक रखा तो यह बड़ी आसानी से संतुलित हो गए। इसका कारण यह है कि इन दोनों का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास इस पिवट पॉइंट के नीचे है। इसी तरह ये नाचते हुए बंदरों का खिलौना भी बना सकते हैं। इस नाचते हुए बैलेंसिंग खिलौने की तरह से ही हमने और भी बैलेंसिंग खिलौने बनाए हैं, जैसे कि यह बैलेंसिंग पेंसिल। इस पेंसिल का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, जबकि इस अर्धवृत्ताकार तार का द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं पर है। जब इस तार के एक सिरे को पेंसिल पर लपेट लेते हैं और दूसरे सिरे पर एक वजन लटका लेते हैं तो इस वजन के कारण इस पूरे सिस्टम का द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं नीचे खिसक जाता है, क्योंकि यह इस आधार बिंदु के ठीक नीचे है। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रेखा आधार बिंदु से ही होकर गुजरेगी और इसके वजन के कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इसीलिए पूरा सिस्टम इस स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। अब इस पेंसिल को थोड़ा धक्का देकर असंतुलित करते हैं तो इसके वजन के कारण इसमें एक टॉर्क लगने लगता है जो इसे इस दिशा में घुमा देता है और यह वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, जैसा कि उस पेंसिल के साथ हुआ था। और इसी सिद्धांत पर आधारित यह हमारी तारों से बनी हुई तितली है जो इसी तरह से बैलेंस हो रही है, और यह कागज की तितली भी इसी तरह से हमारी अंगुली में बैलेंस हो रही है। तो आज हमने सेंटर ऑफ मास पर आधारित कई मनोरंजक प्रयोग के और बहुत सारे बेजोड़ खिलौने बनाए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अपने सेंटर ऑफ मास को शरीर से बाहर रखकर खिलाड़ी इसका कैसे लाभ ले पाते हैं और हाई जंप में विज्ञान के और कौन कौन से सिद्धांत काम में आते हैं। धन्यवाद।